मुंबई और पुणे के साथ साथ महाराष्ट्र के जो बहुत सारे शहर हैं वहां दूध की सप्लाई की दिक्कत हो सकती है। और शेतकारी स्वाभिमान संगठन की अगुवाई में किसान संगठनों ने महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों में दूध की सप्लाई रोकने का ऐलान किया, जिसकी बात राकेश त्रिवेदी कर रहे थे। तो किसान संगठनों की ये मांग है कि सरकार दूध की खरीद पर ₹5 की बढ़ोतरी करे और उसे सीधे किसानों के खाते में डाले। और अपनी इसी मांग को लेकर किसानों का जो प्रदर्शन है वो कल से शुरू हो गया है। कई जगहों पर किसानों ने टैंकर से दूध गिरा दिया, तस्वीरें आप देखिए, कुछ जगहों पर टैंकर में आग लगाने की भी कोशिश की गई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पुणे की तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क पर दूध फेंक दिया। किसानों का कहना है कि किसानों से दूध ₹17 लीटर खरीदा जाता है और प्रोसेस करने के बाद उसी दूध को ₹42 प्रति लीटर बेचा जाता है। ऐसे में किसानों को और फायदा मिलना चाहिए। मांग ये है कि कर्नाटक सरकार प्रति लीटर ₹5 की सब्सिडी देती है, गोवा और केरल में ये दर प्रति लीटर ₹8 है, और ऐसे में महाराष्ट्र के किसानों को दूध पर सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती। मुंबई में आज का दिन तो किसी तरह से निकल गया, लेकिन कल से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मेरे सहयोगी अमित कोटेचा ने एक रिपोर्ट दी है हमें, आप ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में आज 16 जुलाई यानी सोमवार से दूध की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, ऐसा निर्णय दूध के किसानों ने लिया हुआ है। दूध के किसान आज मोर्चे पे जाएंगे, जिन्होंने उसमें ऐसा निर्णय लिया हुआ कि आज से दूध की सप्लाई मुंबई में बंद कर दी जाएगी। ये दरअसल हड़ताल पे जा रहे दूध के सप्लाई। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे इस वक्त दूध के एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है। सर आपका नाम? लाल बहादुर गुप्ता। सर आप यहाँ पे कितने साल से दुकान में? 23 साल। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या दूध की सप्लाई आई है आपको आज के दिन? आज आया है, कल का नहीं बता सकता, आएगा कि नहीं आएगा। कल का आएगा कि नहीं कुछ बता नहीं सकता। अगर नहीं आया तो क्या दूध के दाम में फर्क गिरेगा? अब उसके बारे में तो नहीं बता सकता। नहीं, तो दूध के सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। अभी कौन सा दूध है आपके पास और उसका दाम क्या है? तबेले का दूध है, 64 है। 64 भैंस का दूध है? भैंस का दूध है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल आज के लिए तो उनके पास दूध मौजूद है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आज जैसे कि किसानों ने कहा है दूध की सप्लाई नहीं आएगी तो दाम हो सकता है बढ़ भी सकते हैं। दरअसल किसानों की मांग है कि उन्हें जो सब्सिडी दी जाए वो सब्सिडी ₹5 तक मिलनी चाहिए, और दूसरी मांग ये है कि उनका जो दूध उत्पादन किया जाता है उसके लिए सही दाम दिया जाए। अगर आप देख सकते हैं कि 50 से 64 रुपए में दूध बेचा जाता है। कैमरामैन वैभव जाधव के साथ अमित कोटेचा, जी मीडिया, मुंबई।